मॉर्निंग, दिस इज किफायती कलाकार फ्रॉम गोवा। सो दिस इज आवर डे 3 इन गोवा और आज हमारा लास्ट डे होगा इस बार के ट्रिप के लिए। देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। सो होपफुली सब अच्छा जाए। सो चलते हैं। बोला था ना बीच बीच में चाय जरूरी है। आज के प्लान में एक चीज़ और ऐड हुआ है कि हमारा एक कॉलेज का फ्रेंड है, वो गोवा में ही रहता है फिलहाल, तो उससे मिलना है। सो लेट्स सी। तो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं अगोड़ा फोर्ट। सर फोर्ट जाने के लिए ऊपर सीधा ऊपर 2 किलोमीटर कौन कहता है कि बोट रोड्स पे नहीं चलते। तो अभी हम जा रहे हैं अगोड़ा फोर्ट और लगभग पहुंच चुके हैं। रास्ता सही था, बहुत सही। तो अभी हम लोग आ गए हैं फोर्ट के पास। असली मस्ती ये लोग कर रहे हैं। थोड़ा गर्मी है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर चलेगा। बाहर चलते हैं तो लाइम सोडा पीते हैं क्या? कितने का है लाइम सोडा? आंटी दो लाइम सोडा। सो द फ्रेंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट फैट फिश पे आ रहा है, तो वहाँ पे मिलते हैं उससे। आई थिंक कॉलेज ख़त्म होने के बाद 6 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। सो अच्छा लगेगा। Thank you.
सो अभी हमारा फ्रेंड आ चुका है, तो चलो मिलते हैं उससे। सैबी तो म्यूट कर दे म्यूजिक चला। चिकन कढ़ाई चिकन, फिर उसके बाद शायद हम लोग लेंगे गार्लिक नान, और उसके साथ हम लोग लेंगे मटन, मटन रोगन जोश, मटन रोगन जोश। हाँ के जोश आएगा ना अंदर की ताकत। ये क्या है? चिकन कढ़ाई चिकन। अच्छा नान है, कौन सा गार्लिक है? चलो गार्लिक है, ये प्लेन, ये प्लेन है ना। कहाँ हम लोग आने वाले थे बताओ? बता बताओ कहाँ। पहले तो हम लोग कैफे भोसले जाने वाले थे, लेकिन एक टर्न की वजह से हम लोग पहुँच गए गौरव, गौरव टी स्टॉल। बट वी शुड ऑल्सो सपोर्ट लोकल बिजनेस, इसलिए आज हम लोग एक्चुअली वी आर सपोर्टिंग लोकल बिजनेस, सो गौरव टी स्टॉल। तो सैबी हम लोग चाय पीने कहाँ जाने वाले थे? हम लोग जाने वाले थे कैफे भोसले। चले भोसले, चले 21 किलोमीटर कौन मर जाएगी। अपन को देखने का क्या, अभी नींबू अपन डालते तो कैसा, कितना तेज करने का, कितना कड़क रखने का, वो आप जो इस पैकेट में जो है वो वाला है ना, सेम है ये, वो बड़ा वाला है, सेम ही है, तो बहुत है, उसका साइज बड़ा लग रहा है थोड़ा, एक ही है। उधर ड्राई स्टेट है बिहार, जो दो बोतल लेके ले जा सकते हैं, दो ले जा सकते हैं, बट यहाँ से ले जाएंगे वहाँ पे पकड़ लेगा। तो भैया ऐसा बता रहे थे कि अगर आपको अल्कोहल लेके जाना है फ्लाइट के ऊपर, तो आप दो बोतल तक ले जा सकते हो, बट उनको ये पता नहीं था कि बिहार में नो दारू, पता ही नहीं। कितना हो गया बताओ ना टोटल एक बार, फिर आप पैक करना।
1040 हाँ। चलो थैंक यू भैया। तो अभी हम लोगों ने घर के लिए थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया है, तो अभी हम चलते हैं होटल रूम और बाकी की बातें रूम जाकर। तो अभी हम आ गए हैं अपने होटल। तो हमारा गोवा का ट्रिप आज की रात ख़त्म होता है, तो सुबह 9 बजे फ्लाइट है हमारी पटना के लिए। तो अभी हम आ गए हैं गोवा एयरपोर्ट। चेंज होगा 2000 का गूगल पे स्कैनर है। हो गया, चेक कर लो आप। तो एयरपोर्ट से कैलंगूट जाने का हमें कुछ लगा था 1000 रुपीज़ कैब का, और वापस कैलंगूट से गोवा एयरपोर्ट आने का 1300। सो सुबह सुबह उठना और गोवा जैसे जगह को छोड़ के जाना दोनों पेनफुल है। It's time to say goodbye to Goa. Yeah, sure. So we'll get 2 hours lunch access, ma'am. Your checkout time will be 1 o'clock. So it's 11 now, right? 2 hours. Yeah. 1 o'clock will be your checkout time. Sure. Thank you. Thank you. चार्ज में लगाना है फ़ोन वगैरह, चार्ज में लगाना है, कोट है नीचे में। तो अभी हम आ गए हैं हैदराबाद, और हैदराबाद में 4 घंटे का लेओवर है, और उसके बाद हमारी फ्लाइट जो है पटना के लिए है। लकीली हमें लॉन्च एक्सेस मिली, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, कुछ खाते हैं, और उसके बाद बोर्ड करेंगे पटना के लिए फ़्लाइट। तो सीन कुछ ऐसा है।
आई थिंक अभी के बाद कोई खास अपडेट रहेगा नहीं, रिपीट मोड में चलेगा बस रिवर्स एक्शन में। पहले पटना से हैदराबाद आया था, अभी वैसे ही हैदराबाद से पटना जा रहा हूँ और फिर पटना से वैशाली। तो आई थिंक ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। और गोवा का ट्रिप ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, मज़े किए हम लोगों ने बहुत। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बोलना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मस्त रहो, बिंदास जियो, बाय बाय। सो गोवा इज फेमस फॉर 3 things, बीच, बेब्स और बियर। ये वाली अल्कोहल फ्री है।